What is ascending and descending? What do you mean by ascending and descending? Hello and welcome back to my channel, Neelu's Classroom. आप कुछ नया सीखें. Hello everyone. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ascending and descending के बारे में. Ascending तो हमें पता है कि ascending मतलब होता है छोटे से बड़ा. But यहाँ मैं ascending order आपको करना नहीं सिखा रही हूँ. यहाँ मैं उन बच्चों के बारे में बता रही हूँ जो अभी लर्न कर रहे हैं कि असेंडिंग होता क्या है, डिसेंडिंग होता क्या है. असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगी. आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, देखना चाहें. लेकिन ये मैं उन स्मॉल किड्स के लिए बना रही हूँ जो अभी सीख रहे हैं कि असेंडिंग होता क्या है. तो चलिए देखते हैं असेंडिंग होता क्या है, ये मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो लेट्स सी, हम फर्स्ट देखते हैं असेंडिंग. असेंडिंग तो असेंडिंग मतलब होता है, वन सेकेंड, असेंडिंग मतलब होता है छोटे से धीरे धीरे बड़ा होना, है ना. पहले कम चीज, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, बढ़ते हुए क्रम में, उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. जैसे ये देखिए, छोटे से ये बढ़ते हुए, इसे मैं बना देती हूँ कैंडल. तो जब कैंडल उस पोजीशन में होती है, जब हम उसे जलाते हैं, तो जब वहां से छोटे होके इस पोजीशन में आती है, ये जो शेप बना मैंने बनाया है, ये है आपको शो कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर. छोटे से बड़ा हमने रखी एक छोटी कैंडल, फिर उससे थोड़ी बड़ी कैंडल, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, और सबसे बड़ी कैंडल. तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है, ये छोटे से बड़ा इस तरीके से जाएगा. तो ये होगा असेंडिंग, छोटे से बड़ा. आप स्टेयर चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो जो आप सीढ़ी चढ़ते हैं, आप जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो होती है सॉरी, आप जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो होती है असेंडिंग ऑर्डर. क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, उसे कहते हैं असेंडिंग. आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, ऐसे 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 ऐसे. ये देखिए, आप इस जगह से बढ़कर इस जगह तक गए, मतलब आप यहां खड़े थे और अब आप यहां पहुंच गए, तो इसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर. ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर. अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम वही एग्जांपल्स हम देखते हैं. तो चलिए बना लेते हैं हम एक कैंडल. ये देखिए, ये देखिए, पहले आपने कैंडल जलाई, फिर धीरे धीरे कैंडल पिघलना शुरू होती है, कम होते जाती है और फिर बहुत छोटी हो जाती है. मतलब पहले कैंडल बड़ी थी, बड़े से छोटा मतलब इस तरीके का, बड़े से छोटे की तरफ आना, मतलब किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ डिक्रीज होना, 10 से 1 नंबर की तरफ जाना, इसे बोलेंगे डिसेंडिंग. बड़े से छोटे क्रम की तरफ, ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, कोई बड़ी चीज से
कॉम चीज की तरफ उसे लगाना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप जब ये समझ जाएंगे तो आप इजीली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको वो स्टेयर वाला स्टेयरकेस वाला आपको एग्जांपल दिया, सीढ़ियों वाला, सेम वही यहाँ पर भी जब आप सीढ़ी उतरते हैं तो वो हो गया डिसेंडिंग, क्योंकि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरते हैं बड़ी हाइट से लेकर छोटी हाइट की तरफ। आप यहाँ होते हैं और आप धीरे 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 कम होते जाती हैं सीढ़ियाँ, आप नीचे उतर आते हैं, तो ये हो जाता है डिसेंडिंग। मतलब क्योंकि आप सीढ़ी ऊपर वाली सीढ़ी पे हैं तो आप ऊंचे पे हैं, ऊंचे से जब आप नीचे आते हैं तो वो हो जाता है डिसेंडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।